दोस्तों अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे में हो सकता है कि मार्केट में आपको सैनिटाइजर ना मिल रहा हो, तो आप घर में ही इसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सैनिटाइजर जो कि मैंने अभी घर में बनाया है। तो आप इसी तरीके से अपने घर में अपने घर की चीज़ों से सैनिटाइजर को बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास परफ्यूम तो होगा ही, घर में आसानी से मिल जाता है परफ्यूम। यहाँ पर एलोवेरा जेल जो है वो भी मैंने ले लिया है, अधिकतर घरों में ये भी मिल जाता है। अब इन दोनों की हेल्प से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा रेशियो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इन दोनों को खोल लीजिए और इनको इस तरह से खोल लीजिए कि आसानी से जो परफ्यूम है वो एलोवेरा वाले ट्यूब में चला जाए। तो मैंने इसी तरह से इसे कर लिया है। अब यहाँ पर रेशियो के लिए आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि 70% आपका जो परफ्यूम वाला पार्ट होना चाहिए और जो आपका जेल वाला पार्ट है या एलोवेरा वाला पार्ट है वो 30% होना चाहिए। इसी रेशियो में आपको मिला के रख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों रेशियो मैंने मेंटेन करके इसे सेक कर लिया है। इसे सेक करने से क्या है कि ये अच्छी तरह से मिल जाएगा और मिलने के बाद ये जो परफ्यूम डाला है वो उड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे सेक कर रहा हूँ उस तरह से इसमें कलर भी चेंज हो रहा है, कुछ मिल्की कलर यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। तो अच्छे से इसे सेक करना है। यहाँ पर ये तैयार हो गया है। अब देखिए, जिस क्वांटिटी में आप मार्केट में मिलने वाले सैनिटाइजर को यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको लेना है और बस इसे आप जब रब करेंगे हाथों पे तो उसी तरह की ठंडक आपको महसूस होगी और ये उसी तरह से वेपराइज भी हो जाएगा जिस तरह से ओरिजिनल सैनिटाइजर वेपराइज होता है। तो घर पर सैनिटाइजर बनाने का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज लेके आता रहता हूँ।